जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। झारखंड की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत झारखंड में खनिज संसाधन का अध्ययन करेंगे। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से चांदी के बारे में, सिल्वर के बारे में उतनी जानकारियां इकट्ठा कर लेंगे जितना कि अपने को झारखंड राज्य से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी साबित होने वाला है। प्यारे दोस्तों, वीडियो सेशन को आरंभ करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि बहुत जल्द जनजातियों से संबंधित वीडियो सेशंस भी अपलोड किए जाएंगे अपने YouTube चैनल पर, तो उन सभी चीज़ों को भी आपको देखना है। और झारखंड का भूगोल तो ऑलरेडी पहले ही ख़त्म हो चुका है, और उन सभी चीज़ों को भी आपको बेहतरीन ढंग से देखना है और चीज़ों को समझना है। प्यार दोस्तों, चलिए वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं। और यह अपना 13वां नंबर वीडियो सेशन है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का ये 13वां नंबर वीडियो सेशन। इसके पहले 12 वीडियो सेशन अपलोड कर दिए गए हैं। सभी वीडियो सेशन आपको झारखंड की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मिल जाएगा, अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में ही कोचिंग सेंटर पर जाकर सर्च कर सकते हैं। प्यार दोस्तों, चलिए वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं, और फिर बाद में हम लोग मानचित्र पर भी आएंगे और मानचित्र में ये समझने का कोशिश करेंगे कि झारखंड में कहाँ कहाँ पर चांदी पाया जाता है। प्यार दोस्तों, देखिए सबसे पहले एक बात आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि चांदी जो है प्यार दोस्तों, यह अलौ धात्विक समूह का खनिज है। यह लौ धात्विक समूह का खनिज नहीं है, चांदी अलौ धात्विक समूह का खनिज है। खनिजों को हम लोगों ने तीन समूहों में, तीन वर्गों में विभाजित किया हुआ है। सबसे पहले धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। और धात्विक खनिज को भी हम लोगों ने दो उप वर्गों में विभाजित किया हुआ है, लौ धात्विक खनिज और अलौ धात्विक खनिज। तो यह अलौ धात्विक समूह का खनिज है, चांदी अलौ धात्विक समूह का खनिज है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि चांदी आखिर मिलता कैसे है। तो प्यार दोस्तों, चांदी डायरेक्टली नहीं मिलता है, चांदी डायरेक्टली नहीं मिलता है, किसी चीजों के साथ में मिश्रित होकर प्राप्त किया जाता है। तो चांदी कैसे प्राप्त किया जाता है? तो प्यार दोस्तों, देखिए चांदी का धातु जो है वह सीसा, गंधक, जस्ता, तांबा और अन्य खनिजों के साथ पाया जाता है। मुख्य रूप से ये चार खनिज आपको ध्यान देना, याद रखना है, सीसा, गंधक, जस्ता, तांबा, इन सभी खनिजों के साथ मिलकर चांदी की प्राप्ति की जाती है। बिल्कुल भी ध्यान में रखना आपको, सीसा, गंधक, जस्ता और तांबा, और भी खनिज हैं लेकिन ये मुख्य चार खनिज हैं जिसके साथ में मिलकर चांदी का खनिज, चांदी का धातु अपने को प्राप्त होता है। चलिए प्यार दोस्तों, अगले बिंदुओं को समझते हैं कि भंडार कितना है। तो दोस्तों, झारखंड में चांदी का भंडार 23.84 लाख टन है, 23.84 लाख टन झारखंड में चांदी का भंडार है, सिल्वर का भंडार है, और जो कि समूचे देश का 5.1% झारखंड में भंडार है, समूचे देश का 5.1% भंडार है झारखंड में। और उत्पादन की बात करें तो देश का 5% उत्पादन झारखंड में किया जाता है, झारखंड राज्य में किया जाता है। प्यार दोस्तों, चलिए अब इसकी उपलब्धता को देखते हैं, तो हम लोग फिर मानचित्र पर आएंगे। तो उपलब्धता को देखेंगे कि झारखंड में चांदी कहां कहां पर उपलब्ध है। तो दोस्तों देखिए, हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम, इन सभी जिलों में चांदी की उपलब्धता है। तो प्यार दोस्तों देखिए कौन कौन सा, दोस्तों सबसे पहले हजारीबाग, दूसरा पलामू, तीसरा रांची और चौथा सिंहभूम। और जब मैं सिंहभूम की बात करता हूँ, सिर्फ अगर सिंहभूम की बात होगी प्यार दोस्तों, देखिए सिंहभूम दो हैं, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। अगर दीदी सिर्फ सिंहभूम की बात होगी तो दोनों सिंहभूम की बात होगी,
प्यार दोस्तों, कहीं पर भी आप बुक्स में अगर यदि सिर्फ सिंहभूम जिला देख लें तो दोनों सिंहभूम की बात हो जाएगी, पूर्वी भी और पश्चिमी सिंहभूम भी। तो प्यार दोस्तों, इन सभी जिलों में फिर से एक बार देख लीजिए प्यार दोस्तों, हजारीबाग, पलामू, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, इन सभी जिलों में चांदी की उपलब्धता है। प्यार दोस्तों, अंतिम नंबर चीज, अंतिम नंबर बात यह है कि चांदी का उपयोग कहां कहां पर है। तो दोस्तों, सबसे पहले तार के निर्माण में, आभूषण के निर्माण में, बर्तन में, सिक्का निर्माण में और औषधि आदि निर्माण में चांदी का उपयोग किया जाता है। तार, आभूषण, बर्तन, सिक्का, औषधि आदि के निर्माण में चांदी का उपयोग किया जाता है। प्यार दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ज्ञान की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और जितनी बातें यहाँ पर की गई है उन सभी का एक प्रॉपर नोट्स बनाकर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग नोट्स को बना लेंगे। तो प्यार दोस्तों, आपका भविष्य उज्ज्वल हो इसी आशा और उम्मीद के साथ जिन सभी विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।